नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार पर्यटन के अपने सीरीज में आज हम सीतामढ़ी जिले की बात करेंगे। 1972 में मुजफ्फरपुर जिले से अलग हो अस्तित्व में आया सीतामढ़ी जिला सीता माता की जन्मस्थली होने के कारण हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक है। सीता माँ के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामही और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। अगर इस जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थल होने की वजह से इस जिले के पर्यटन स्थल भी उसी अनुरूप है और यही इस जिले को सबसे खास भी बनाता है। तो चलिए आज हम आपको इस जिले के दर्शनीय स्थलों की सैर करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनौरा धाम की। सीतामढ़ी शहर से 2 किलोमीटर दूर पुनौरा में बहुत ही भव्य जानकी मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। मान्यता है कि यहाँ स्थित उनकी कुंड में ही माता सीता का जन्म हुआ। यहाँ एक पर्यटन भवन, गायत्री मंदिर, विवाह मंडप, सुंदर पार्क तथा म्यूजिकल फाउंटेन, झरना एवं फव्वारा भी है। पुनौरा सीतामढ़ी का फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष सीतामढ़ी महोत्सव नामक 2 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी पुनौरा धाम में ही होता है। अब आगे हम बात करेंगे हलेश्वर स्थान की। जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर उत्तर फतेहपुर गिरमी सानी गांव में स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। पुराणों के अनुसार यह इलाका मिथिला राज्य के अधीन था। एक बार पूरे मिथिला में अकाल पड़ा था, तब ऋषि मुनियों की सलाह पर राजा जनक ने अकाल से मुक्ति के लिए हलेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ शुरू करने के पूर्व ही राजा जनक जनकपुर से गिरमी सानी गांव पहुंचे और यहां अद्भुत इसी शिवलिंग की स्थापना की थी। राजा जनक ने इसी स्थान से हल चलाना शुरू किया और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में पहुंचे, जहां हल के सिरे से मां जानकी धरती से प्रकट हुई और इसके साथ ही घनघोर बारिश होने लगी और इलाके से अकाल समाप्त हुआ। इसी हलेष्टि यज्ञ के कारण यहाँ स्थापित मंदिर को हलेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है। यहाँ रविवार सहित प्रत्येक वसंत पंचमी, शिवरात्रि एवं श्रावण सोमवारी को विशाल मेला लगता है। अब आगे हम बात करेंगे पंथ पाकर की। माता सीता और भगवान राम और परशुराम संवाद स्थल धाम के रूप में जाना जाने वाला पंथ पाकर धाम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित बथनाहा प्रखंड में स्थित है। मान्यता है कि जनकपुर से माँ सीता की डोली अयोध्या के लिए जा रही थी तो इसी पंथ पाकर गाँव में रुकी थी और यहीं पर भगवान राम और परशुराम के बीच संवाद हुआ था एवं परशुराम ने राम को अयोध्या जाने का रास्ता यहीं से दिखाया था। यहीं पर माँ सीता ने विश्राम के बाद एक पाकड़ के पेड़ की डाली को तोड़कर दातून की और दातून के चीरा पास में ही फेंक दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि इस स्थल पर पाकड़ का पेड़ उगाया। माँ जानकी की डोली स्थल पंथ पाकड़ में लोग दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं। इस बात की चर्चा तुलसीदास और वाल्मीकि रचित रामायणों में भी है। इस मंदिर परिसर में एक प्राचीनतम कुंड भी है। माँ सीता ने उस कुंड के पानी का उपयोग किया था। आज सीतामढ़ी का पाकड़ पंथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद हम बात करेंगे जानकी मंदिर की। सीतामढ़ी शहर के जानकी स्थान स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने इस भव्य मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से निर्मित होने के कारण इसे रजत द्वार मंदिर भी कहते हैं। एक ही बहुमूल्य काले पत्थर से निर्मित माँ सीता और भगवान श्री राम की अद्भुत प्रतिमा भक्तों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में ही निर्मित उर्विजा कुंड भी बहुत ही भव्य और सुंदर है, जिसके मध्य में हल चलाते समय राजा जनक और घड़े से प्रकट होती माँ सीता की प्रतिमा है। इसके बाद हम बात करेंगे सनातन धर्म पुस्तकालय की। सनातन धर्म केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना पहले पेठिया रोड मिर्चाई पट्टी के गली में एक छोटे से कमरे में 25 पुस्तकों के साथ साल 1917 में की गई थी, लेकिन आज डुमरा में स्थापित इस पुस्तकालय में करीब 35,000 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें करीब 38 विषयों की पुस्तकें शामिल है। यह पुस्तकालय साहित्यकारों के लिए ज्ञान का खजाना कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बगही मठ की। डुमरा ब्लॉक के रंजीतपुर में स्थित बगही धाम एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। 108 कमरों से युक्त इस मठ में 24 घंटा कीर्तन और सीता राम नाम जाप होता रहता है। इस मठ परिसर में ही बाबा घनेश्वर नाथ महादेव का एक सुंदर और भव्य मंदिर भी है और यहाँ प्रसिद्ध संत बगही बाबा तपस्वी नारायण दास जी महाराज की समाधि स्थल भी है। आपको बता दें कि इस मठ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनकपुर की। आप ये सोच रहे होंगे कि जनकपुर तो नेपाल में है तो हम सीतामढ़ी जिले में इसे क्यों बता रहे हैं, परंतु हम आपको बता दें कि जनकपुर सीतामढ़ी से ज्यादा दूर नहीं है।
केवल 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर ही है एवं वहां जाने के लिए कोई विशेष अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भारत नेपाल सीमा पर अपने नाम की एंट्री देनी होती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सीतामढ़ी जा रहे हैं तो प्राचीन समय में मिथिला राज्य की राजधानी रहे एवं भगवान राम के ससुराल जनकपुर भी जरूर घूमे। यहाँ एक खूबसूरत संगमरमर का जानकी सीता जी का मंदिर है जो नौलखा मंदिर के नाम से भी मशहूर है। इसके बाद हम बात करेंगे गढ़हौल शरीफ की। गढ़हौल शरीफ जिले के बोखड़ा प्रखंड में अवस्थित है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था का प्रतीक है। बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ के बीच इसे मुस्लिम का सर्वाधिक पवित्र स्थल माना जाता है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। अन्य गंतव्यों में आप डुमरा में स्थित जानकी बाल उद्यान, सीता कुंज नगर उद्यान, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी पार्क, पुपरी स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर एवं मेजरगंज के बस बिट्टा में स्थित है श्री शुकेश्वर नाथ मंदिर आदि जा सकते हैं। अगर प्रमुख महोत्सव की बात करें तो जानकी नवमी का मेला सीता जी को जन्मस्थली सीतामढ़ी में उनके जन्म दिवस पर एक विशाल मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है और सीतामढ़ी का विवाह पंचमी मेला तथा सीतामढ़ी का बगही मठ मेला भी इस जिले में प्रसिद्ध महोत्सव है। इसके बाद अगर हम विशेष व्यंजनों की बात करें तो सीता माँ की जन्मस्थली कही जाने वाले सीतामढ़ी मिठाइयों के मामले में भी खास है। यहाँ की बालूशाही मिठाई काफी प्रसिद्ध है। इस मिठाई की खासियत यह है कि बिना फ्रिज के भी यह 10 दिनों तक रखी जा सकती है। इसे छेना, खोआ, सूजी मिलाकर बनाया जाता है जिसे फिर चीनी के सिरका में डाला जाता है। सीतामढ़ी के पुपरी का मलाई रोल भी काफी प्रसिद्ध है। जिस तरह एग रोल और पनीर रोल होता है ठीक उसी तरह छोटे आकार में मलाई रोल होता है। यह केसर मिले हुए गाढ़े दूध से बनता है। साथ ही सीतामढ़ी के बेलसंड की छेना जलेबी भी मशहूर है। इसे कम चीनी खाने वाले या डायबिटिक लोग भी पसंद करते हैं। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिलों का अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। आपको बता दें इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने अगले वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।